बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत पैसा भी लगता है, अभी क्या बताऊं। सबको जाने देगा तुम्हारा भाई, बात सुन हो रही है, सुन भाई, भाई 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 क्या है ये, बस आता बोमलत। अरे कुटे घेऊन चालला ये गुगल, गिरते गिरते बच गया था बॉस। हाफ पैंट या स्लीपर्स पे यहाँ पे बाइक मत चलाना, आई प्ले सेफ। मिट्टी है, एकदम धीरे जाएंगे। कैसे रास्ते बनाए यार, ऐसे कभी नहीं चलाया था बॉस। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एंड थैंक्स फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय चैनल, दैट इज सागर्स लाइफ, अवर चैनल नेम। सो दिस विल बी द कंटिन्यूएशन वीडियो ऑफ लास्ट वीडियो, जहाँ पे हमने विजिट किए थे चार धाम टेम्पल्स। सो अभी हम निकले हैं टू विजिट पीलिंग। सो दो स्पॉट्स हैं अपने, इस वीडियो में कवर करने को मैं ट्राई करूँगा। अब पीलिंग में जाके पहले होटल ढूंढेंगे, होटल कोई भी बुक नहीं किया है तो होटल बुक कर लेंगे, सामान होटल में रख देंगे एंड उसके बाद जाएंगे स्काई वॉक देखने के लिए जो कम्प्लीटली है ग्लास का। उसके बाद मेरे को विजिट करना है एशिया सेकेंड हाइएस्ट लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज, वो भी आपको दिखाना है, बट वो थोड़ा दूर है बिकॉज जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देख लिया, मैं ऑलरेडी अपने शेड्यूल से 2 घंटा पीछे हूँ। जी हाँ, 2 घंटा, अभी दोपहर के 12:15 हुए हैं। हम लोगों ने जस्ट खाए एक प्लेट मोमोज और चाय, दैट्स इट। सो खाना भी खाना है, जगह भी विजिट करनी है, तो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है बिकॉज आज के दिन ही हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने वाले हैं। कल हम लोग निकलने वाले हैं टू द न्यू सिटी ऑफ सिक्किम, जो आपको देखने मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग। सो सिक्किम के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आपको, इफ़ इन केस आप भी विजिट करोगे सिक्किम तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे स्लीपर्स पहन के बाइक चलाना अलाव नहीं है, 2500 रुपये फ़ाइन है, डायरेक्टली 2500, और फ़ाइन भरने का भी बहुत ही खिचखिच है बॉस। जो लोकल कॉप्स है वो आपको लोकल पुलिस स्टेशन भेजेंगे एक चिट्ठी लेके, देन वो चिट्ठी के ऊपर उनका साइन करके कितना फ़ाइन है वो मेंशन करेंगे एंड वो पेपर लेके आपको सिक्किम की बैंक में जाना है, बैंक में जाके फ़ाइन भरना है, फिर वापस पुलिस स्टेशन आना है जहाँ पे आपको दिखाना है कि मैंने पेमेंट किया है एंड उसके बाद ही आप वहाँ से आपकी बाइक पिकअप कर सकते हो। हाफ पैंट या स्लीपर्स पे यहाँ पे बाइक मत चलाना, इवन आप टूरिस्ट हो आपके ऊपर कुछ मेहरबानी नहीं होगी, फाइन हो जाएगा आपको। सो ये छोटी सी टिप ध्यान में रखिए व्हेन एवर यू आर गोइंग टू विजिट इन सिक्किम, मेजरली इन गैंगटॉक। रूल्स रेगुलेशन फॉलो कीजिए, कोई भी सर्कल रहेगा वहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड साइड से जाइए, राइट हैंड साइड से क्रॉस मत कीजिए, क्योंकि सिक्किम में मेजरली फीमेल कॉप्स ही रहेंगी, आपको गैंगटॉक में मिलेगी आपको। ये देखिए, ये ऐसे बैंड की बात कर रहा था मैं, गोल गोल रानी ऐसा चल रहा है कब से मस्त, बट अभी नीचे उतार रहा है हमको। लकीली गाड़ियाँ कम है इस रास्ते के ऊपर, वो दार्जिलिंग वाले रोड पे यार पागल हो गया था, इतनी गाड़ियाँ रास्ते ख़राब। धीरे धीरे चलाए सागर, वो देखिए सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं धीरे धीरे सागर, वाइब्रेशंस आ रहे हैं क्योंकि इंजन ब्रेकिंग कर रहा हूँ ना, तो हाथ सुन्न हो रहे हैं, सुन्न। MCC ओ भाई, वो देखो कितने नीचे आ गए, सामने का माउंटेन देखो भाई, कितने ऊपर थे हम लोग, नीचे 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 लेके आए भाई, अपन को और भी नीचे जाना है, देखो और भी नीचे जाना है। वो देखिए सामने वाला माउंटेन, आई थिंक वहाँ पे जाना है, वहाँ पे रोड दिख रहा है। उनके इधर भी इतना स्लोप है, ऐसा मेजरली देखने को नहीं मिलता, ये हिली सेक्शन में आपको मिलेगा। ये देख लीजिए कितना नीचे ले डायरेक्ट लेके जा रहा है, ऐसा जाके फिर स्लो करेगा, बट ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं। दार्जिलिंग में तो यार एकदम डेंजरस था, लास्ट व्लॉग देख लेना आपको आइडिया आ जाएगी। गिरते गिरते बच गया था बॉस। ये बॉर्डर में कुछ पत्थर वगैरह क्यों नहीं रखते यार, ये कुछ मेरे को अलग ही दिख रहा है। सिक्किम में वेस्ट बंगाल में थे मगर यहाँ पे बॉर्डर एकदम ओपन है। ये देखिए, ओके यहाँ पे है बट छोटे छोटे। ओ भाई ऑफ रोडिंग है आगे, धीरे चलो धीरे चलो। मिट्टी है, एकदम धीरे जाएंगे, मिट्टी में से स्लिप होता है, शाबाश। अरे भाई एकदम धीरे,
बॉर्डर नहीं, डायरेक्ट नीचे शॉर्टकट। क्या बात है, कितना बड़ा है देखो। और पानी देखो, देखा एकदम पानी भरा हुआ है। क्या है यार, ये कंप्लीट अलग ही है, एकदम रेन फॉरेस्ट जैसा है कंप्लीट। अभी इतना नीचे ही लेके आया, अभी ऊपर वापस चढ़ाएगा। झंस्कार में जैसे होता था वैसे, एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन। वो देखिए वहाँ पे ऊपर है चार धाम, वहाँ से नीचे लेके आया, फिर ये माउंटेन पे लेके आया, फिर नीचे लेके आया। ओ भाई क्या टनल है यार, वो तो नीचे, ओ शिट नीचे जा रहा है टनल। ADIT कुछ डैम का काम लगता है। कितना बड़ा पाइप आया था यार अंदर ऑक्सीजन का। चलो सिक्किम का पहला टनल है बाबा, आप लोगों को लेके चलता हूँ सिक्किम के टनल में, कैसा है देखते हैं। काला काला क्या है यार ये, शेट पूरा काला, ऐसा कोयल कोल्स के पानी के जैसा है पूरा काला पानी। ऑक्स लाइट पे हमने रखा है कवर, तो वो नहीं ऑन कर सकते, ये ऐसे यूज़ करेंगे। आ गए बाहर लगता है, ओह आ गए। ज़्यादा लंबा ना ही है, दिखता नहीं है तो अपन नहीं करेगा, आई प्ले सेफ। चलो अभी दिख रहा है, ग्यालशिंग डिस्ट्रिक्ट में है हम अभी, और यूनेस्को हेरिटेज, क्या बात है, होम ऑफ केन पीक। माउंटेन भी एकदम काले काले हो गया, कोयला निकलता है क्या इधर से। ओ शिट, मैं सोचा नीचे लगेगा, ये पूरा रास्ता ही टूट गया है। सिक्किम के पहाड़ पहली बार देख रहा हूँ, इसके पहले देखे थे हमने उत्तराखंड के पहाड़, लद्दाख के पहाड़, झंस्कर के पहाड़, महाराष्ट्र के पहाड़, कर्नाटका के पहाड़ देखे, केरला के देखे, तमिलनाडु के देखे, हैदराबाद के देखे हैं, गुजरात के, गुजरात में पहाड़ दिखा था क्या, नहीं हाईवे हाईवे पे घूमा पता नहीं। हाँ राजस्थान में दिखे थे अच्छे अच्छे पहाड़, कश्मीर के पहाड़ देखे, जम्मू के पहाड़ देखे, भाई अभी क्या बाकी रह गया, वेस्ट बंगाल के भी पहाड़ देख लिए, अभी चेन्नई बाकी है अपना, चेन्नई वाला पार्ट। ईस्ट और वेस्ट हो जाता था गुजरात और चेन्नई, गुजरात देखो 200 किलोमीटर है मेरे घर से, और फिर भी अभी उसको एक्सप्लोर करने को टाइम नहीं मिला, और ये इतना दूर आया हूँ मैं। क्या सागर तू भी, अभी देख लो पहाड़, एंजॉय कर लो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तो सब्सक्राइब करो चैनल को यार। इसके बाद आपको मैं मेघालय के पहाड़ दिखाऊंगने वाला हूँ, आसाम के पहाड़ भी दिखाऊँगा, एंड अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ दिखाऊँगा। तो ये 5 स्टेट है अपनी कम्प्लीट इस नॉर्थ ईस्ट की राइड में, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख दो टू नॉट मिस दोज ब्यूटीफुल व्लॉग्स। एंड वीडियो देख रहे हो पसंद आ रहा है तो यार एक लाइक बटन भी ज़रूर दबाना, उससे आपका भाई और भी प्रोत्साहित हो जाता है तो ऐसे व्लॉग बनाने के लिए, ऐसी नई नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, बहुत पैसा भी लगता है, अभी क्या बताऊँ, अपने भी शौक भी बड़े बड़े हैं तो बहुत खर्चा लगता है इसको, तो आपका सपोर्ट दोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा यार आपके भाई को। आ गया खराब रास्ता, ओके इतना पोर्शन पूरा नीचे आया हुआ है, इतने चांगली लैंडस्लाइड झालेली आहे। चलो अपोलो ट्रैम्पलर, ये देखो भाई क्या हुआ, ये देखो, ओ शिट भाई 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 क्या है ये, फक कितना सारा नीचे आया यार, नदी पूरी बंद हुई रहेगी। ये टेंपल है यहाँ पे, ये लास्ट ईयर जो आए थे लैंडस्लाइड यहाँ पे, करितेश्वर शिवधाम, ओके। अब ये देखिए पूरे हेयर बैंड पिन है, पूरे हेयर बैंड पिन, ऐसे 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 ऊपर चढ़ना है, चढ़ाई चालू ऊपर। ओ भाई चढ़ाई देखो, ओ भाई चढ़ाई देखो, 100% श्योर आपको कुछ नहीं दिखा रहेगा। तेरे को क्या है, तेरे को चार चाक है, तू ब्रेक दबाएगा खचाक करके तू खड़ा रहेगा। बस आता बोमलत खालती गेला त्याचा पाटा, अरे बाप रे वाट लागली त्याची, हाँ मागेच घ्यावं लागेल, आत्ता काही निघत नाही लवकर। 2000 years later. आ जाओ, बहुत जगह है।
निकल गया। पूरे फॉरेनर बड़े भाई, देखो फॉरेनर को इंटरेस्ट है इंडिया घूमने में। हम आ गए तो ये देखो यहाँ पे पूरे फॉरेनर्स है। ये भाई साहब को पीछे डालना ही पड़ेगा, ये ऐसे ही लेट करने वाला है। चढ़ने ला तो चढ़ना कि नहीं, चलो आता खलती है। नशीब फास्ट, मजा आता है यार, मजा आता है। और भी ऊपर जाना है भाई, ये देखो क्या है यार सामने, 100 भेड़बंड पीने, मोर देन 50 रहेंगे। उप गोप्रो में से दिख रहा है आपको, ये रास्ता ना मेरे को उत्तराखंड के तुंगनाथ के ट्रैक वाली रास्ता है ना, उसकी याद दिला रहा है, एकदम सेम वैसे ही है। पूरा जंगल, बट रोड इतना बड़ा नहीं था, छोटा था। 15 किलोमीटर को 40 मिनट बोल रहा है, 15 किलोमीटर को 40, सोचो तो कैसा रास्ता रहेगा। टर्न है तेरे, एकदम आ जा, आ जाओ भाई आ जाओ, सबको जाने देगा तुम्हारा भाई, एंड देन खुद जाएगा, सबका बदला लेगा। रे तेरा फैजल ले बक सड़न बक देवल है। ना ऊपर चढ़ रहा हूँ मैं, इतने सारे विलेज आ रहे हैं, कैसे पब्लिक इतना ऊपर रखे रहते हैं यार। देखो रास्ता देखो, आई डोंट थिंक आपको कुछ दिखता रहेगा। ये देखो क्या एंगल है यार, अभी वापस एस बैंड, क्या यार ये देखो कैसे कैसे रास्ते बनाए यार, ऐसे कभी नहीं चलाया था बॉस, ऐसी बाइक कभी नहीं चलाई थी, ये ऐसे रोड इधर ही देखने को मिले। ये देखिए ना टर्न कितने हाइटेड है, गोपुरा ऐसे दिखता रहेगा आपको, ऐसे एकदम स्ट्रेट, ऐसे नहीं है भाई, ऐसे ऐसे सोच लीजिए, ऐसे एंगल है। अरे कुठे घेऊन चालला ये गूगल, काय जंगल चढतोय चढतोय, कधीपासून डोंगर वर चढतोय, संपतच नाही डोंगर। मॉनेस्ट्रीज संचेम प्रेमाक से मॉनेस्ट्री, ओ भैया चिल्ला रहे मेरे को देख लो, अभी सॉरी पढ़ रहा था, कुडंट रिप्लाई यू गाइस। माउंट भी लूज हो गया ऑफ रोड से। वेलकम टू पेलिंग, एक फोटो यहाँ पे स्टोरी के लिए बनता है, वो लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपको। आ गए हैं अपर पेलिंग में, अभी यहाँ से नीचे की तरफ जाना है। ये अभी बोला हूँ ना ये टर्न, वो अगर मैं यहाँ से लूँगा तो फाइन पड़ेगा, यहाँ कर पुलिस वाला रहेगा तो आपको ये पूरा राउंड अबाउट करके ही जाना है सिक्किम में। ये चीज़ ध्यान में रखिए भाई, बस होटल तो बहुत सारे यार यहाँ पे, ढूंढते हैं। ओके यही है पाइन वैली, देखते हैं रूम हाई क्या। व्यू ये अपना रूम 303, 2:15 हो गए हैं, अच्छा खासा बड़ा रूम है। ये देखिए एक पिलर आ गया है बीच में, ये एक विंडो है, ये एक विंडो है, बेड बहुत बड़ा, दैट्स मी, छोटा सा कपबोर्ड, टीवी, टिप बॉय, चेयर, बाथरूम, गीजर, हाँ शाबाश ये तो चाहिए भाई, ये मॉर्निंग वाली जगह, दैट्स इट। सो जल्दी से फ्रेश अप हो जाते हैं और चलते हैं टू एक्सप्लोर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सर मैं ये नहीं रोका, वो जो दूसरे ऑफिसर थे वो बोले रुको मत जाओ। किसने बोला? वो आपके साथ थे ना खड़े, वो इधर रुको मत।
सर हाँ सर, ये स्काई वॉक के लिए जाना है, स्काई स्काई वॉक है ना वो, स्काई वॉक के लिए रास्ता पूछ रहा था सर। मैं मुंबई से आया हूँ, हम लोग राइडिंग जैकेट भी पहनते हैं, ये ग्लोव्स भी रहता है, हमको ही पता। जा तो वो चला ले, घास आ लेगा तुझे। क्या भाई साहब, क्यों नहीं जाने दे रहे हो? मस्ती है क्या रे? रहते ऐसे कोई कोई लोग।